नमस्कार, मैं हूं उत्सवी पांडे और आप देख रहे हैं राजनामा। कर्नाटक और तमिलनाडु में हमेशा से ही कावेरी जल के बंटवारे को लेकर वाद विवाद छिड़ा हुआ रहता है और अब इसे लेकर तमिलनाडु के सीएम की नाराजगी सामने आ रही है। इसी बात पर नाराज होकर उन्होंने विधायक दल की बैठक बुला ली है। तमिलनाडु में कावेरी जल मामले पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा है। एमके स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु को कावेरी जल की कम मात्रा जारी करने पर कर्नाटक सरकार का यह रुख अत्यधिक निंदनीय है। एमके स्टालिन ने आगे यह भी बताया कि इस मामले में अगला फैसला लेने के लिए 16 जुलाई को विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने एक बयान में कहा कि 15 जुलाई 2024 तक कर्नाटक के 4 मुख्य बांधों में पानी की कुल मात्रा 75.586 टीएमसी फीट है, जबकि तमिलनाडु के मेट्टूर जलाशय में जल स्तर मात्र 13.808 टीएमसी फीट है। इसके अलावा आईएमडी के पूर्व अनुमान के अनुसार पर्याप्त बारिश की भी संभावना है, इसलिए कर्नाटक का कावेरी जल विनिमयन समिति के निर्देश के अनुसार पानी छोड़ने से इनकार करना तमिलनाडु के किसानों के साथ विश्वासघात है। स्टालिन ने इसको लेकर कहा कि राज्य इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। वहीं रविवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने यह भी कहा कि राज्य सरकार CWRC के निर्देशानुसार इस महीने के अंत तक कावेरी नदी से तमिलनाडु को एक टीएमसी फीट के बजाय हर दिन 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए तैयार है। स्टालिन ने कहा कि उन्होंने कावेरी जल सुरक्षित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार विमर्श करने के लिए राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई है। जल संसाधन मंत्री दूर ए मुरुगन की नेतृत्व में बैठक 16 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे यहां राज्य सचिवालय में होगी। साथ ही कानूनी विशेषज्ञों की राय भी ली जाएगी और सरकार आगे की कार्रवाई तय करेगी। इसी तरीके से कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी जल के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब इसे सुलझाया कैसे जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए राजनामा।